धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आ रही, हालांकि इसको बड़ी खबर कहना तो एक शर्मनाक बात हो सकती है पत्रकारिता के लिए। इसको दर्दनाक खबर कहा जा सकता है, इसको डरावनी खबर कहा जा सकता है, इसको इस तरीके से पेश किया जा सकता है कि लगता है हिटलर का राज भारत के अंदर चल रहा है और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में नहीं है, वो तालिबान यहाँ भी शायद सत्ता में बैठा हुआ है। तभी तो आरोप लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार देता है। कोई कह रहा है कि 3 किसानों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि 5 किसानों की मौत हुई है, कई सारे किसान घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर एक हंगामा बरपा हुआ है। बहुत सारे किसान दिल्ली और पंजाब से वहां के लिए कूच कर चुके हैं, लेकिन भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आप जानते हैं सुबह से किस खबर पे लगे हुए हैं। क्रूज पर सुट्टा लगाते हुए यानी कि नशे पार्टी करते हुए रेप पार्टी जिसे कहते हैं, पकड़ा गया है शाहरुख खान का बेटा अपने कई साथियों के साथ। उसी को लेकर तमाम न्यूज़ चैनल पर भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपनी डिबेट रूपी नंगा नाच दिखाने में लगे हुए हैं, जिसे वो पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन ये खबर अपने आप में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां किसानों को इतनी बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम आपके सामने थोड़ा ब्लर करके उनको रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले खबर की तरफ। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले आपको खबर के बारे में बताया जाए, उससे भी पहले ये आपके लिए जान लेना बेहतर होगा कि मामला आखिर है क्या। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तिकोनिया यहाँ का एक इलाका है, और तिकोनिया इलाके के अंदर एक गांव है जिसको बनीपुर गांव बताया जाता है। और ये गांव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि अमित शाह के गृह मंत्रालय में उनके जो राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्र उर्फ टैनी का ये गाँव है। इस गांव में प्रोग्राम रखा गया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वो बनबीर गांव पहुंचने से पहले टिकोनिया गांव के महाराजा अग्रसेन जो खेल मैदान है वहां पर उनके नाम का हेलीपैड बनाया गया था, हेलीकॉप्टर से उनको उतरना था। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी किसानों को लगी तो उन्होंने जाके वहां पूरा अपना डेरा डाल दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बात की जानकारी मिलते ही केशव प्रसाद मौर्य ने वहाँ हेलीकॉप्टर से आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वो पहुँच गए वहाँ सड़क के रास्ते। अब खबर देखिए, कई सारी वेबसाइट ने खबर छापी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी को लाखों करोड़ों की सौगात दी है, हजारों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौर में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतारने के, वहां अब भी मीडिया इस बात को छाप रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी को लाखों की करोड़ों की हजारों की सौगात दे दी है। ये तमाम चीज़ों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हंगामा मच रहा है शायद लखीमपुर खीरी में, वो हंगामा नहीं है। असल खबर ये है कि वहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे और उन्होंने बहुत सारे विकास कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण किया है। तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। घायल किसानों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। वारदात के बाद गुस्साए किसानों ने आगजनी की है, बहुत सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। अभी वहां से क्लियर स्थिति निकल के ना आ रही है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है मौतों की। आप जानते हैं ना, आधिकारिक पुष्टि मतलब सरकार कहे प्रशासन कहे कि हाँ भाई इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोगों के साथ ये वारदात हुई है, अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आरोप सीधे लग रहा है केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टैनी पर, और कि उसने जो है अपने वाहन से कुचलकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। गुरुनाम सिंह चरूनी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो भी किसान इस हादसे के दौरान मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए, और जब तक अंतिम संस्कार ना किया जाए जब तक के दोषियों यानी कि चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री संतरी का बेटा या जो भी तमाम लोग हैं भाजपा के, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए तब तक अंतिम संस्कार ना किया जाए। सुन सकते हैं गुरुनाम चरूनी को। साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि यूपी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वहाँ सरकारी गुंडे हम उनको कहेंगे, वह एक मंत्री के बेटे ने अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा, उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहां पे जख्मी हैं। और डिप्टी सीएम है वहां का, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मिश्रा, इसका वहां पे कोई प्रोग्राम था। तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिज़ाइन करे,
और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी, तुरंत इनको अरेस्ट करें, इन पे इनको गिरफ्तार करें, अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें, 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटनास्थल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बहुत से नेता भी वहाँ पर, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो ही पहुँच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक जो है वो मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। और एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहाँ पे फ्रिज मंगा लें, फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है, तो भाई वहाँ संस्कार ना करें और ये आंदोलन पूरे देश में। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा वो सुबह तक पहुंच जाएंगे। इस पूरे मामले के बाद राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा मैं गाजीपुर बॉर्डर से, आप जानते हैं ना दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को आजकल किसान क्रांति गेट कहा जाता है, वहां से उन्होंने कूच कर दिया है लखीमपुर खीरी की तरफ, वो करीब है दिल्ली से लखीमपुर खीरी के पास, वो रात तक पहुँच जाएंगे और जैसा गुरुनाम चढ़ी इनको आपने सुना वो सुबह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप राकेश टिकैत को भी सुन सकते हैं। वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। इस पूरे मामले के बाद एक तरीके का हंगामा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने एक हिटलर सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश इनके अत्याचार को, इनके अन्याय को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब आप जाएंगे कुछ वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो कुछ खबरें आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जैसे BBC की खबर आपको बताएगी कि वहाँ 5 लोगों की मौत हुई है, कुछ और जगह पर खबरें कुछ और तरीके से पेश की जा रही हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्थिति उभर के आई है। अभी तक चीजें जो हैं इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे किस तरीके के हालात बने हुए हैं और वर्तमान समय में वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन लगता है अभी तक दिल्ली के 3 बॉर्डर, गाजीपुर और आपका सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, जो है सत्ता के सामने एक तरीके से किसान आंदोलन का केंद्र बने हुए थे, लेकिन अब लगता है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन का एक जो है वो केंद्र बनने जा रहा है। क्योंकि जो वारदात यहाँ पे हुई है, ऐसी वारदात तो हरियाणा में भी पुलिस नहीं कर पाई, पुलिस ने गोलियाँ जरूर चलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर किया, पुलिस ने पानी की बौछारें चलाई, बहुत सारे मुकदमे लिख के किसानों को जेल में डाल दिया और यहाँ पर इस तरीके की वारदात अंजाम दी जा रही है। अब यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि किसानों को 2 मिनट में सीधा कर देंगे, 2 मिनट में उनको देख लेंगे, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं, जो विधायक हुआ सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। इस वीडियो के आधार पर किसानों में जबरदस्त गुस्सा है और कहा जा रहा है कि सब प्लान वे में किया गया है, क्योंकि कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किसान आंदोलन को एक तरीके से विपक्ष के हाथों की कठपुतली करार दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ लोग किसानों को भड़का के बहका के जो है आंदोलन, कुछ लोगों का एक आंदोलन करार रहे हैं, जबकि आंदोलन के 10 दिन पूरे हुए और भारत बंद भी उन्होंने किया है, तमाम चीज़ें जो हैं सामने आ ही रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी में जब राकेश टिकैत पहुंच जाएंगे और उसके साथ गुरुनाम चढ़ूनी पहुंच जाएंगे
तो वहां से किस तरीके की तस्वीरें उभरती हैं, किस तरीके का आंदोलन उभर के सामने आता है, सरकार इसको कैसे रोकने की कोशिश करती है, क्या इनको वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा, अगर ये पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल बाकी हैं उनके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। बहुत दुखद खबर है, ये कोई बड़ी खबर नहीं हो सकती है। बड़ी खबरें हमेशा अच्छी खबरों को कहना चाहिए कि हाँ भाई किसी के भले से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही है वो तो वो बड़ी खबर हो, ऐसी खबरें तो बहुत छोटी और तुच्छ खबरें हैं जो कि किसानों की हत्याएं ट्रक गाड़ियों से कुचल के की जा रही हो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।